जी अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 3, इंटर्नशिप रिपोर्ट, इंटर्नशिप इवैल्यूएशन, इंटर्नशिप इवैल्यूएशन फॉर्म। जब भी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप की है, वहां पे इंटर्नशिप करने के बाद आपके पास, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन से सबसे पहले तो इंटर्नशिप लेटर बनवाना होता है, जो कि असाइनमेंट नंबर 2 में था। असाइनमेंट नंबर 3 में है कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन से एक इवेल्युएशन फॉर्म फिल करवाना है, ठीक है। उस फॉर्म के ऊपर आपने उस सिग्नेचर जी, ये असाइनमेंट 3 इंटर्नशिप इवेल्युएशन फॉर्म, इसको हमने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद हमने ये वाला फॉर्म अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन से फिल करवाना है जहां पे हमने इंटर्नशिप की है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंटर्नी नेम, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, उसकी स्टूडेंट आईडी आ जाएगी, उसका कोर्स कोड आ जाएगा MTTH 619, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे आप लिखेंगे, एंड ब्रांच जिस जगह पे भी है, सुपरवाइजर का आपका नेम क्या था, डेजिग्नेशन क्या थी, इंटर्नशिप ड्यूरिंग इंटर्नशिप जो बंदा आपको सुपरवाइज कर रहा था, ठीक है, उनका आपने यहाँ पे नेम लिखना है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट ऑफ इंटर्नशिप, एंडिंग डेट ऑफ इंटर्नशिप, ये चीज आ जाएगी। ऑफिशियल टाइमिंग, आपने ऑफिशियल टाइमिंग आपकी क्या थी, आपने वो चीज यहाँ पे लिख देनी है। नंबर ऑफ एब्सेंसेस, यानी आपने 2 महीने की इंटर्नशिप की है तो उस दौरान आप कितने दिन प्रेजेंट थे या आप एब्सेंट थे, वो ड्यूरेशन यहाँ पे आ जानी है, ठीक है। उसके बाद आपने आपकी इंटर्नशिप का सुपरवाइजर जो है, जो जिसके अंडर आप इंटर्नशिप ड्यूरेशन में थे, उस बंदे ने इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। आपने ये डिफरेंट रेटिंग्स देनी है, रेटिंग सिस्टम, पर्सनल प्रोफेशनल क्वालिटीज आपके अंदर किस तरह थी, मोस्टली कोशिश करें 3, 4 और 5, 4 और 5 के हिसाब से उसको फुलफिल करवाएं, ठीक है। फर्स्ट वाला पोर्शन जो है प्रोफेशनल क्वालिटीज वाला, उस तरह के पर्सनल क्वालिटीज, आपकी पर्सनल क्वालिटीज के हवाले से आपने सारे 4 को सर्कल करना है, 4 को टिक करें, 4 को, 5 को, डिफरेंट इस तरह से 3, 4, 5 इनमें से टिक करते जाएं, एक एक लाइन में से एक एक को। उसके बाद यहाँ पे आपने स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनी लिखवाना है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट उनको कहना है, लिख दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, कि आपने किस किस डिपार्टमेंट में किस डेट से किस डेट तक इंटर्नशिप की है, यहाँ पे उस चीज की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी, कीपिंग इन व्यू ऑफ द इंटर्नीज ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम, जॉब बिल्कुल यहाँ पे फिर आप उनसे आपके बारे में आपने लिख देना, यस हम उसको जॉब ऑफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, इस तरह से करके, ठीक है। उसके बाद जिस बंदे ने फॉर्म को फिल किया होना है ना, आपकी इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरवाइजर होना है, उसने अपना यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, डेट, कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी ईमेल लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी ऑफिशियल सील और स्टैंप, यहाँ पे उन्होंने कंपनी की स्टैंप लगानी है, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्म आपका फिल होगा। मजीद आपको एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, एक स्टूडेंट ने फिल करवाया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट का नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना कोड लिख देना है, यहाँ पे आपका कंपनी का नेम आ जाएगा, आपके सुपरवाइजर का नेम आ जाएगा, ठीक है। डेजिग्नेशन सुपरवाइजर की आ जाएगी, यहाँ पे जो सुपरवाइजर की बात हो रही है वो आपके इंटर्नशिप के सुपरवाइजर की बात हो रही है, ठीक है। इंटर्नशिप एक तो आपका सुपरवाइजर है ना वीयू की तरफ से, जो आपकी रिपोर्ट को चेक करेगा, वो सुपरवाइजर एक है। जिस जगह पे आपने इंटर्नशिप किया वहां पे भी आपका कोई सुपरवाइजर था, ठीक है। तो उसके बाद आगे डेट आ जाएगी, एंडिंग डेट, उसके बाद टाइमिंग आ जाएगी, नंबर ऑफ एब्सेंट्स अगर कोई है तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे ये इस तरह आपने फिल करना है, 4 पे टिक करना है, 4 पे, 3 पे, 5 पे, 5 पे, इस तरह इनके ऊपर आपने टिक्स लगाने हैं, 2 पे, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से फिल करना है 1 by 1, ठीक है। ये आपका पेज 1 वाला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा, इस तरह उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में आपने इंटर्नशिप किया इस डेट से इस डेट तक, ठीक है। कोशिश करनी है ये वाली डेट आपके इंटर्नशिप लेटर वाले डेट के साथ मैच होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स भी मैच होने चाहिए आपकी रिपोर्ट के साथ। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, सिग्नेचर कर देने, और इस तरह से आपने इसको फुलफिल कर देना। और यहाँ पे स्टैंप कंपनी की लगवाना जरूरी है, अगर आपने स्टैंप लगवाई तो इस फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। मजीद अगर आपको, आपने इंटर्नशिप नहीं की हुई या आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का लेटर चाहिए या आपने इवेल्युएशन फॉर्म फिल करवाना है, मजीद किसी किस्म का इशू है, इंटर्नशिप रिपोर्ट राइट करवानी है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 to 40 इंटर्नशिप रिपोर्ट्स बनाई और सबके सब स्टूडेंट्स पास थे। मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का इशू हो, इंटर्नशिप रिपोर्ट के रिलेटेड, लेटर के रिलेटेड या इवेल्युएशन फॉर्म के रिलेटेड, आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।